हेलो स्टूडेंट्स आई एम गजेंद्र शर्मा वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल इन दिस इडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चेंज ऑफ स्टेट्स एंड हीट ट्रांसफर अगर हम लोग बात करें चेंज ऑफ स्टेट्स और हीट ट्रांसफर की तो इसको मैंने क्या किया है टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और टू पार्ट्स के अंदर जो हमारा पहला पार्ट था उस पहले पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को जो चीजें सिखाई है वो सिखाई है चेंज ऑफ स्टेट्स की हमारी कैसे स्टेट्स को चेंज करते हैं और उसके अलावा उसके अलावा हमारी लेटेंट हीट क्या होती है ट्रिपल पॉइंट हमारा क्या होता है यानी कि सर अगर मैं बात करता हूँ चेंज ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हुआ बेटा कि कितनी स्टेट्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसे सबसे पहले हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं तो, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि सर जीरो डिग्री सेल्सियस यानी कि जब हमारा टेंपरेचर चेंज नहीं हो रहा है और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है उसके अंदर जो हमारी जो हीट यूज होती है उसको हम लोग बोल देते हैं लैटेंट हीट या इसी को हिंदी में बोल देते हैं गुप्त उषमा थर्ड हमारी क्या होती है ट्रिपल पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या हो सर वो पॉइंट जिसके ऊपर हमें गैस सॉलिड और लिक्विड ये तीनों की तीनों स्टेट हमें मिल जाती है वो हमारी क्या होती है बेटा ट्रिपल पॉइंट हम लोग उसको बोल देते हैं फिर हमारा क्या होता है सर हीट ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर की अगर मैं बात करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको मैंने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया एक हमारा कंडक्शन एक हमारा कन्वेक्शन और एक हमारा क्या होता है रेडिएशन अब बात आती है कि सर इनको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कौन सी चीज क्या होती है कैसे हम लोग देख

क्योंकि किसी भी बॉडी को अगर हम लोग हाथ लगा के देखते हैं कोल्ड है या हॉट है वो हमें कैसे पता लगती है वो सिर्फ हमें तब पता लगती है बेटा कि जब हम लोग उस चीज को छूते हैं छूटने का मतलब क्या हुआ कि सर हमारी बॉडी का जो हीट है और सामने की जो हीट है उसका क्या होता है होता है क्या होता है बेटा कंपेरिजन होता है अगर उनमें दोनों में क्या है डिफरेंस है डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर सामने वाले की हीट मेरे हीट से ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि सामने वाली चीज क्या है हॉट है जब हम लोग उसको हाथ लगाएंगे सेकंड क्या होगा सर सामने वाले की हीट अगर मुझसे कम है तो मैं बोलूंगा कि सर मेरे हाथ की हीट ज्यादा है इट इटमीन्स क्या हुआ कि वो सामने वाले की कम

कंडक्शन एक हमारा होता है कन्वेक्शन एक हमारा होता है रेडिएशन अब हम लोग देखते हैं कि सर ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है कंडक्शन क्या होता है कन्वेक्शन क्या होता है और हमारा रेडिएशन क्या होता है कंडक्शन की बात करें तो ये हमारा होता है सॉलिड्स के अंदर यानी कि सर इसका एक एंड को अगर हम लोग हॉट कर देते हैं गर्म कर देते हैं हीट इसको अगर प्रोवाइड कर जाते हैं तो इसका जो अनदर एंड है वहां पर भी हमारी क्या है हीट पहुंच जाती है कैसे पहुंचती है सर सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि जो मालिक्यूल्स होते हैं जो मालिक्युल्स होते हैं उनके वाइब्रेशन की वजह से ये होता है क्या होता है उनके वाइब्रेशन की वजह से ये हमारा होता है सेकेंड की बात करते हैं जो हमारा क्या है कन्वेक्शन और कन्वेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सर जब हम लोग किसी भी चीज को हीट करते हैं हीट करने पर क्या हुआ एक एक जनरली हूं पानी गर्म कर रहे हैं और पानी गर्म होने पर हम लोग देखते हैं कि सर, जैसे ही हम लोग हीट देते हैं तो हमारा नीचे वाली लेयर है वो ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर जाने के बाद जो ऊपर कोल्ड वाटर होता है वो क्या हो जाता है नीचे आता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज को हीट करते हैं हीट करने की वजह से क्या है कि वो क्या हो जाता है हल्का हो जाता है यानी कि सर उसका जो वैल्यू वो क्या हो जाती है कम हो जाती है कम होने पर मतलब क्या हुआ कि सर वो क्या हो गया हल्का हो गया हल्का मतलब क्या हुआ ऊपर की तरफ जाएगा और जो भारी होगा वो नीचे की तरफ आएगा यानी कि सर हम लोग जब पानी को गर्म करते हैं तो हम लोग देखते हैं उसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स आते हैं क्या होते हैं छोटे छोटे से बबल्स आते हैं वो बबल्स क्या होते हैं है, रोटेट करते रहते हैं वो ऊपर जाता है फिर पानी नीचे आता है और ऊपर जाता है पानी नीचे आता है इस तरीके से वो क्या है पूरा का पूरा गर्म होता है यानी कि सर सबसे पहले नीचे वाली लेयर गर्म होती है और उसके बाद में क्या होता है सर ऊपर वाले की तरफ क्या है वो सिर्फ ट्रांसफर होती रहती है क्लियर बात ये हमारा क्या हो गया दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट होता है हमारा रेडिएशन का रेडिएशन का

हीट महसूस हो जाएगी क्या होगी हीट महसूस हो जाएगी उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं रेडिएशन क्या बोल देते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं रेडिएशन क्या बोल देते हैं रेडिएशन हम लोग उसको बोल देते हैं क्लियर बात है अगर ये क्लियर बात हो गया बेटा तो अब हम लोग इनको देख लेते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूं कंडक्शन की कंडक्शन क्या होता है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू होगा मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं यहां पे सर मैंने क्या किया इसको हीट प्रोवाइड की हीट प्रोवाइड करने के बाद में ये जो सॉलिड एरिया है ये सॉलिड एरिया क्या हुआ हीट हुआ हीट का मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास क्या है कोई भी सॉलिड एरिया है अगर ये सॉलिड एरिया है मेरा ये क्या है सॉलिड एरिया है इसके अंदर अगर मैं हीट यहां से देता हूं तो हीट देने की वजह से क्या है कि सर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना उनके वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है हीट आगे ट्रांसफर हो जाती है क्या हो जाती है मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है हीट आगे ट्रांसफर हो जाती है तभी तो हम लोग देखते हैं कि सर जब भी हम लोग कड़छी के अंदर सब्जी बनाते

फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर भी वो क्या करती हैं ट्रेवल करती हैं तो वो हमारे क्या होते हैं रेडिएशन हम लोग उनको बोलते हैं क्या बोल देते हैं रेडिएशन हम लोग उनको बोल देते हैं तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हैं अच्छे से आप लोगों ने कनेक्ट कर लिए हैं अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसके अंदर कि पार्ट कैसे डिवाइड हम लोग करेंगे कैसे कि देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कंडक्शन की और कंडक्शन मैंने जस्ट अभी आप लोगों को समझाया कि सर कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि सर जब हम लोग किसी भी चीज को हीट देंगे यानी कि बर्नर के थ्रू मैंने क्या किया है ये जो हमारे पास कैटल है या हमारे पास क्या है कैटल है अब ये इसके अंदर क्या है सर एटम है एटम के अंदर क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे

है ये हमारा क्या कहलाता है कंडक्शन कहलाता है कैसे होता है इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो नीचे वाली लेयर है वो हमारी गर्म होगी ये क्या करेगी सर वाइब्रेट करेगी वाइब्रेट करने के बाद में अपनी एनर्जी है उस वाले को देगी सेकंड वाले को देगी सेकंड वाला क्या करेगा कुछ ऑब्जर्व उसको क्या करेगा ऑब्जॉर्व करेगा ऑब्जॉर्व करने के बाद में थर्ड वाले को देगा और थर्ड वाले को देने के बाद में क्या होगा फिर ये आगे क्या होती है हीट ट्रांसफर होती रहती है और एक पोजिशन ऐसी आ जाती है कि सर ये वाला जो हिस्सा होता है ये एक्स्ट्रा वाला जो हिस्सा होता है ये क्या हो जाता है गर्म हो जाता है एक एग्जाम्पल और ले सकते हो पानी वाला रॉड जो अपने पास होता है पानी वाला रॉड जो होता है उसका भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं हो. क्या होता है पानी वाले एग्जाम्पल आप लोग रॉड का एग्जाम्पल ले सकते हो या कोई सा भी एक्षा, ले सकते हो तो क्या हुआ देखिए कि सर वन एंड ऑफ अ मेटेलिक रोड इज पुट इन अ फ्लेम द रोड विल सुन बी सो हॉट दे यू कैन नॉट दैट यू कैन नॉट होल्ड इट बाई योर बेयर हैंड्स यानी कि सर जब हम लोग बात करते हैं किसी भी एंड को अगर उसको मैंने हीट किया दूसरा एंड क्या हो गया सर वो भी क्या हो गया हीट हो गया क्यों हो गया क्योंकि सर हीट ट्रांसफर हुई है हीट ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से वो हीट ट्रांसफर हुई है अगर वो हीट ट्रांसफर हुई तो उसकी वजह से क्या है जो सेकंड एंड है उसका वो हमारा क्या हो जाएगा सर वो भी हॉट हो जाएगा और जब वो हॉट हो जाता है जब वो हॉट हो जाता है हॉट होने के बाद में क्या होगा कि सर हम लोग उसको अपने जो हाथ है यानी कि सर नॉर्मल इस तरीके से हम लोग उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हॉट हो गया गर्म हो गया इस वजह से क्या हम लोग उसको पकड़ नहीं पाएंगे अब क्या है कंडक्शन फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द रॉड थ्रू इट्स डिफरेंट पार्ट टू सर हम लोग बात करें तो क्या हुआ कि सर एक पार्ट को हमने हीट किया, सेकंड पार्ट तक वो क्या गई है heat transfer हो गई है। गैसेस आर द पुअर थर्मल कंडक्टर्स व्हाइल द कंडक्टिविटीज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस यानी सर लिक्विड की जो हम लोग बात करते हैं लिक्विड के अंदर क्या होगी वो सॉलिड्स और हमारी जो गैसेस होती है उनके बीच की होती है क्या होती है सॉलिड और जो हमारे गैसेस होती है उनके बीच में एक चीज याद रखेगा जो हमारी गैसेज होती है वो क्या होती है बेटा बहुत पुअर कंडक्टर्स होती है क्या होता है उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है क्या होती है उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है क्लियर बात है अब हम लोग बात करते हैं आगे अब हम लोग देखते हैं कि सर ये हम लोगों ने देखा है पूरा डायग्राम हमने अच्छे से समझा अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमारी जो ये हीट है वो कितनी हमें मिलती है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या है एक डायग्राम है हमारे पास क्या है बेटा ये इस तरीके का एक डायग्राम है इस डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी क्या है लेंथ है एल क्या है लेंथ है एल इसका एरिया है ए इसका एरिया है ए इसकी जो हमारी बात करूँ टेम्परेचर है इस तरफ का टी टू है इस तरफ का क्या है टी वन है यहां से हमने क्या किया बेटा इसको हीट किया है हमने क्या किया हीट किया हीट करने के बाद में जो इसके अंदर हीट होगी वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है सर जो इसके अंदर हीट होगी वो चीज़ डिपेंड करती है इसके एरिए पे ठीक है उसके अलावा किस पे डिपेंड करती है ये डिपेंड करती है टी के ऊपर उसके अलावा ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी सर उसके अलावा ये डिफरेंस करेगी यहाँ पे कितना टेम्परेचर डिफरेंस है कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उसके अलावा क्या होती है किसके वन अपॉन एल के क्यों होती है क्योंकि क्या है बेटा है और लेंथ ज्यादा होने की वजह से आप लोग सोचिए कि सर अगर मुझे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज पहुंचानी और उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसका इफेक्ट क्या होता है बहुत कम होगा कैसे जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कैसे कि मान लीजिए सर मैंने यहां से सौ रुपए दिए अब यहां से मैंने बोला कि आप लोगों के

एल है एल का मतलब क्या हुआ सर लेंथ ज्यादा जैसे आप लोग अगर फोर्स पढ़ते हो मैंने जब आप लोगों को पहली क्लास हुई थी अपनी जब इलेवंथ क्लास की तो इसके अंदर मैंने फोर्सेस बताए थे तो मैंने बोला था कि फोर्सेस की जब मैंने बात करी कि अगर उनके बीच की डिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो फोर्स जो होगा उसका इफेक्ट क्या हो जाता है कम हो जाता है लेकिन जब डिस्टेंस को हम लोग कम कर देते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वही चीज इसके अंदर है सर ये जो लेंथ है अगर इस लेंथ को मैं इंक्रीज कर देता हूं तो यहां पे जो हमारी हीट होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी लेकिन जब इसको मैं डिक्रीज कर देता हूं तो यहां पे जो हमारी हीट है वो क्या हो जाएगी हमारी ज्यादा हो जाएगी क्या हो जाएगी बेटा ज्यादा हमारी हो जाएगी क्या हो जाएगी बेटा ज्यादा हमारी हो जाएगी सर इसको कंबाइंडली मैं लिखना चाहूं तो ये हमारा क्या हो जाता है क्यों हो जाएगा प्रपोर्शनल टू ए टी वन माइनस टी टू अपॉन में एल इन टू में क्या हो जाएगा टी इंटू में क्या हो जाएगा टी अब यहां से क्या है सर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा के हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा के हमारा आ जाएगा यानी कि सर क्यू होगा वो क्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा क्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा क्यू हमारा इक्वल हो जाता है क्यू हमारा इक्वल हो जाता है के ए टी वन माइनस अपॉन में एल इंटू में हो जाता है टी अपॉन में एल इंटू में हो जाता है टी ये आप लोगों को याद रखना है ये क्या है आप लोगों को याद रखना है ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है और क्या हो जाएगा अगर इसको लिखना चाहो तो ये हमारा हो जाएगा के ए डेल टी में क्या हो जाता है एल इंटू क्या हो जाता है टी इंटू क्या हो जाता है टी क्लियर बात है बेटा टी यहां पे आप लोग ये कर लोगे ठीक है इसके अलावा क्या होगा ये हमारा के होता है ये हमारा क्या होता है ये होता है क्या होता है बेटा कोफिशियंट हमारा होता है कोफिशियंट होता है किसका थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी का हमारा क्या होता है कोफिशियंट होता है क्या होता है कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्लियर बात है अब हम लोग देखते हैं कि सर मान लीजिए मेरे पास तो ये तो निकला है कंडक्शन यानी कि सर हीट तो निकला ही अब मैं बात करता हूँ हीट करंट की किसकी बात करता हूँ बेटा हीट करंट की मैं बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ हीट करंट की मैं बात करता हूँ तो ये हीट करंट होता क्या है आप लोगों ने देखा होगा जब करंट की हम लोग बात करते हैं तो करंट हमारा क्या होता है कि सर हमारे जो चार्ज हैं वो कितने किसने टाइम में क्या हुए हैं फ्लो हुए हैं यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर वो हमारे अगर मैं सिर्फ करंट की बात करता हूँ तो आवेश की प्रवाह की दर होती है कि सर हमारी रेट हमारी कितनी ओर फ्लो कर रहा है यानी कि चार्ज हमारे कितने फ्लो किए हैं उस चीज पर डिपेंड करता है और यहाँ पे जो ये हीट करंट होगा ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा हीट पे और यानी कि टाइम नीचे आ जाएगा टी हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा क्यू अपन टी हो जाएगा क्या हो जाएगा क्यू अपन टी हमारा हो जाएगा क्या हो जाता है बेटा क्यू अपॉन टी हमारा हो जाता है अगर ये क्यू अपॉन टी हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ है सर क्यू अपन टी हो गया तो अब इसको हीट है हीट करंट है इसको मैं किससे डिनोट कर देता हूं एस से डिनोट कर देता हूँ ये क्या हो जाएगा क्यू अपन टी हमारा हो जाएगा अगर ये क्यू अपन टी हो गया तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा अगर क्यू ओपन टी हो गया ना बेटा तो यहाँ से देखिए क्यू का वैल्यू क्या है क्यू का वैल्यू की अगर बात करेंगे तो के हो जाएगा उसके अलावा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा टी वन माइनस टी टू हो जाएगा टी वन माइनस टी टू हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा एल इन टू में हो जाएगा टी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा यहां से क्या हो जाएगा देखिए अगर यहां से बात करोगे तो क्या आ जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा टी क्या हो जाएगा टी हमारा आ जाएगा क्या हो जाएगा बेटा टी हमारा आ जाएगा क्या हो जाएगा टी हमारा आ जाएगा अब एक चीज मुझे बताइए अगर ये टी हमारा यहां पे आ गया है टी हमारा आ गया है तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते कि सर वन ओपॉइन टी कर देंगे तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा ये बन जाएगा के ए वन माइनस टी टू अपॉन एल ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है एच की किसकी वैल्यू आ गई है एच की वैल्यू आ गई है तो क्या लिख सकता क्या मैं यहां से क्यू की वैल्यू नहीं लिख सकता तो क्योंकि क्या हो जाता है एच इन टू टी हमारा हो जाता है क्या हो जाता है बेटा एच इंटू टी हो जाता है की अगर मैं बात करता हूं तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच इन टू टी एच क्या है के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन में क्या हो जाएगा एल इन में हो जाएगा टी बोलो क्लियर है बोलो क्लियर है नहीं बोलो क्लियर है नहीं बोलो क्लियर है नहीं ये आ जाएगा क्यूजिकल टू अगर मैं एच टी की बात करता हूँ क्यूजिकल टू किसकी बात करता हूँ एच टी की मैं बात करता हूँ क्यूजिकल टू क्या करता हूँ एच टी की मैं बात करता हूँ अब अगर आप लोग एक चीज मुझे थोड़ा सा लॉजिक लिखाइए अगर मैं जब रजिस, रजिस्टेंस की बात करता हूँ तो रजिस्टेंस क्या होता है रजिस्टेंस हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है सर रो एल अपॉन ए हमारा होता है रजिस्टेंस क्या होता है रो एल अपॉन ए हमारा क्या होता है रजिस्टेंस हमारा होता है रो एल अपॉन ए हमारा क्या होता है रजिस्टेंस हमारा होता है तो एक चीज मुझे बताइए ये सारे जो फॉर्मले मैं ड्राइव करवा रहा हूँ आप लोग जब न्यूमेरिकल पढ़ोगे ना बेटा तो उस टाइम पे आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं जब न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ोगे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं अब एक चीज मुझे बताइए आप लोगों ने ये एच का वैल्यू ये निकाल लिया एच का वैल्यू क्या निकाला है ये हमारी वैल्यू निकाल ली अगर ये एच की वैल्यू निकाल लिए तो हम मेरे को क्या बताओगे कि सर मैं बोलता हूं कि अगर ये एच की वैल्यू है तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता अगर ये एच की वैल्यू तो एच की वैल्यू को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता कि सर ये जो हमारा है इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टी अपॉन में अगर ये है तो इसको मैं बोल देता हूं एल अपॉन में क्या है एल अपॉन में एल अपॉन में क्या हो जाएगा के ए हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाता है के ए क्या हो जाता है बेटा एल अपॉन में क्या हो जाता है के हमारा हो जाएगा अगर अपॉन में के हमारा हो जाता है तो इसको मैं क्या रजिस्टेंस की फॉर्म में नहीं ले सकता मैं बोल सकता हूँ कि एच अप एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल टी अपॉन में हो जाएगा आर और एच में बोल देता हूं आर एच में बोल देता हूँ क्या बोल देता हूँ आर एच में बोल देता हूं या आप लोग जो भी चीज लेना चाहो वो आप लोग ले सकते हो क्या ले सकते हो आर एच बोल दीजिए आर बी बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है आर एच बोल दीजिए आर बी बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ये हमारा क्या हो जाता है चलो इसको मैं बी बोल देता हूं ये हमारा क्या हो जाता है थर्मल रजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा थर्मल रजिस्टेंस हमारा हो जाता है क्या हो जाता है थर्मल रजिस्टेंस हमारा हो जाता है बोलो क्लियर है नहीं क्या हो जाता है थर्मल रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है न्यूमेरिकल परपज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने फॉर्मूले आप लोगों को कराए हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं कंडक्शन की बात करता हूँ कंडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही फॉर्मूले हैं सारे के सारे क्या है बेटा यही हमारे फॉर्मूले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट्स रखते हैं और सबसे ज्यादा काम में हमारे आने वाले ठीक है अब मैं बात करता हूँ सेकेंड जो है वो है हमारा कन्वेक्शन की किसकी बात करता हूँ कन्वेक्शन की अगर कन्वेक्शन की बात करते हो तो एक चीज़ मुझे बताइए सर कन्वेक्शन का मतलब क्या हुआ जब मैं स्टार्टिंग में आप लोगों के पास आया मतलब इस लेक्चर को मैंने स्टार्ट किया तो तीनों के आप लोगों को क्या है डेफिनेशन मैंने दी थी कि कंडक्शन क्या होता है कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है क्लियर बात है बेटा अगर क्लियर बात है तो यहां से देखिए सर कन्वेक्शन वर्ड आया इसका मतलब क्या है मैंने इसको क्या किया है हीट किया है हीट करने पर क्या होगा सर ये जो नीचे वाली लेयर है वो क्या होगी गर्म होगी अगर नीचे वाली लेयर होगी गर्म अगर नीचे वाली लेयर गर्म होगी तो यानी कि सर इसके कंपेरिजन में ये हल्की हो जाएगी अगर ये हल्की हो जाएगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी ये नीचे की तरफ आएगी फिर क्या होगा सर वापस यही प्रोसेस होगा ये नीचे की तरफ आएगी वापस यही प्रोसेस होगा ये नीचे की तरफ आएगी वापस यही प्रोसेस आएगी तो ये नीचे की तरफ आएगी यानी कि सर इस तरीके से क्या हो रहा है इनके रोटेशन की वजह से आ रहा है क्या हो रहा है इनके रोटेशन की वजह से आ रहा है तो ये क्या है कूल्स बिकम मोर डेंसर सिंग्स और ये क्या है हॉट लेस डेंसर वाटर यानी कि सर अगर मैं बात करता हूं हॉट होगा तो वो क्या हो जाएगा लेस डेंसर हो जाएगा और हमारा क्या होगा जो हॉट कॉल्ड होगा वो क्या होगा बेटा मोर डेंसर हो जाएगा या हम लोग बोल सकते हैं मोर डेंस हमारा हो जाता है क्या हो जाता है मोर डेंस तो एक चीज होगी सर जब भी ये हॉट होगा तो ये क्या होगा लेस डेंस होगा और ये हमारा क्या हो जाता है मोर डेंस हमारा हो जाता है अगर ये हो जाता है तो अब यहां से चीजें देखिए कि सर ये कैसे हुआ क्यों हुआ ये पर्ट को हम लोग पढ़ के और देखते हैं क्योंकि मैन फंक्शन है इसकी थ्योरी को समझना थ्योरी अगर हम लोगों ने समझ ली तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो सबसे पहले देखिए क्या है द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीटेड इड पार्टिकल्स फ्रॉम अ प्लेस एट हायर टेम्परेचर टू अनदर प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर ये वर्ड को पकड़ो क्या पढ़ा है कि सर ये है हीटेड मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अनदर प्लेस टू लोअर टेम्परेचर इज कोल्ड एज थर्मल कन्वेक्शन

Because of the difference in the density of the medium, the process is called natural or free convection. कन्विक्शन अब यहाँ पे वर्ड आया है एक डेंसिटी भाई डेंसिटी तो अंतर आएगा ही एक डेंसिटी आएगा क्योंकि जब मैं डेंसिटी आप लोगों को पढ़ाता हूं तो डेंसिटी का मतलब क्या होती है हायर और लोअर डेंसिटी की मैं आप लोगों से बात करता हूँ सर यहाँ पे हमारी क्या होती है हायर डेंसिटी होती है यहाँ पे क्या होती है लोअर डेंसिटी होती है तो वही इफेक्ट है कि जैसे यहाँ पे लो टेम्परेचर है हाई टेपरेचर उसी का इफेक्ट है सेम है तो यहाँ से क्या होगा सर अगर मैं टेंपरेचर की बात करता हूँ तो जैसे ही इसको हीट दिया हीट देने की वजह से अब आप लोगों को एक एक्साम्पल और देता हूँ एक एग्जाम्पल और देता हूं उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी आप लोगों ने घरों के अंदर होगी तो तो के के तो लेयर ले ले पहले ले गर्म हो जाए इसलिए तो आप लोग कभी थोड़ा सा लेके आइएगा दिमाग में रखिएगा कि सर मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर टच करके देखता हूं और क्या ये मेरा नीचे तक पानी गर्म कर देता है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं आप लोग आप लोग घरों के अंदर प्रैक्टिकल करके देखिए कभी भी हाथ मत डालिएगा बेटा उसके अंदर हाथ मत डालिएगा प्रैक्टिक

गर्म हो गई तो उसकी वजह से जैसे मैं एक मैं एग्जाम्पल देता हूं कि मैं जब कॉलेज के अंदर था तो मैंने कॉलेज के अंदर हमारे जो हॉस्टल्स में बेटा आप लोगों को पता है ये रॉड्स वॉड्स अलाउड नहीं होती हैं तो हम लोगों ने क्या किया एक नॉर्मली क्या किया एक रॉड को मैंने क्या किया मैनुफेक्चर किया कि मैंने क्या किया एक तार से थोड़े से कनेक्शन मैंने किया और एक पूरा का पूरा मैंने एक रॉड की तरह बना लिया अब उसको मैंने क्या किया ऊपर के पानी की जो सरफेस थी उससे कनेक्ट करके रख दिया क्योंकि वो छोटी बनी थी छोटी बनने पर मैंने उसको गर्म कर लिया और मैंने जब उसको देखा अरे यार पानी तो उबल रहा है मेरा तो पानी गर्म हो गया क्या हुआ मेरा तो पानी गर्म हो गया बट जैसे ही मैंने उसको हटाया रोड को रोड को हटाने के बाद में मैंने देखा कि सर जैसे ही मैंने पानी से नहाने लगा दो मग्गे पानी लिए बिल्कुल गरम गरम चिल मजा आ गया यार लेकिन जैसे ही मैंने दो तीन मग्गे लिए उसके बाद में वापस पानी लेने लगा तो एकदम पानी ठंडा एकदम पानी ठंडा मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों हुआ तो वो इसलिए हुआ बेटा उसका कारण मैं यही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब हमारी जो सरफेस है देखिए यहां पे हम लोग इसको नीचे से हीट कर रहे हैं नीचे से हीट करेंगे तो क्या होगा सर जो हमारी जैसे ही हल्का होगा चीज हल्का अगर हमारा ये होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा भारी वाला नीचे आएगा लेकिन जब मैं इसको ऊपर ऊपर से इसको हॉट करूंगा गर्म करूंगा तो गर्म करने की वजह से क्या होगा सर ऊपर वाली लेयर क्या होगी गर्म हो जाएगी अब कोई चीज पहले से ही हल्की है तो वो नीचे की तरफ क्यों जाएगी क्लियर बात है अगर कोई चीज पहले ही हल्का है तो वो नीचे की तरफ क्यों जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो जो है वो यहीं वाले जो एरिया है इसको क्या कर देगी गर्म कर देगी लेकिन जब नीचे की तरफ वाला जो एरिया है वो क्या रहेगा एज इट इज ठंडा रहेगा एज इट इज क्या रहेगा ठंडा रहेगा तो ये हमारा क्या होता है इसकी वजह से ये हमारा एक एग्जाम्पल है इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले सकते हो एक और एग्जाम्पल ले सकते हो कैसे कि आप लोगों ने घरों के अंदर ए देखा हुआ जनरली ए को हम लोग क्या करते हैं ऊपर की तरफ लगाते हैं क्यों लगाते हैं क्योंकि सर हम लोग कॉल्ड कर रहे हैं चीजों को क्या कर रहे हैं कल्ड कर रहे हैं अब कॉल्ड का मतलब क्या अगर नीचे से करोगे तो नीचे वाली अब देखो नीचे से आप लोग किसी चीज को कॉल्ड करोगे तो नीचे से क्या होगा सर नीचे अगर मैं एसी को लगा देता हूं नीचे अगर मैं एसी को लगा देता हूं तो क्या होगा सर नीचे वाली सर जो हमारी लेयर है वो क्या हो जाएगी ठंडा तो हो जाएगा लेकिन जब कोई चीज ठंडा हो जाएगा तो वो नीचे नहीं जाना चाहेगा ऊपर नहीं जाएगा कैसे आएगा क्योंकि सर ऊपर वाली तो नीचे तब आएगी न, जब नीचे जगह होगी तभी तो ऊपर वाली नीचे आएगी क्लियर बात है इसका मतलब क्या होगा सर जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा कोल्ड हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा सर वहां पर भी एक केस हो गया वहां पर क्या हुआ बेटा एक केस हो गया कि सर वो हमारा क्या है नीचे वाली जो लेयर है पूरी की पूरी ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने की वजह से सर वो ऊपर नहीं उठ पाएगी क्योंकि वैसे ही वो हायर टेम्परेचर हो गया लो टेम्परेचर होने पर क्या हुआ सर डेंसिटी क्या हो गई हाई हो गई है क्लियर बात है अगर क्लियर बात है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब वो क्या है ऊपर नहीं उठ पाएगी ऊपर नहीं उठेगी जो ऊपर वाली जो हल्की एयर है वो क्या हो जाएगी सर वो वैसे की वैसे रहेगी इसलिए हम लोग क्या कर ले जनरली हम लोग क्या करते हैं जो ए होती है उसको ऊपर लगवाते हैं क्यों क्योंकि सर ऊपर से वो जब ठंडा करेगी चीज को ऊपर वाली लेयर को ठंडा करेगी तो वो लेयर क्या हो जाएगा भारी हो जाएगा और भारी होने की वजह से नीचे की तरफ जाएगा और जो गर्म वाला है वो ऊपर की तरफ जाएगा इसी तरीके से वो क्या है पूरे रूम को क्या करेगी ठंडा कर देगी पूरे रूम को क्या करेगी ठंडा कर देगी और आप लोग जब हीटर की बात करते हो तो हीटर आप लोग घरों के अंदर यूज करते हो तो हीटर को क्या करते हो नीचे की तरफ लगाना ज्यादा पसंद करते हो क्यों अगर हीटर नीचे की तरफ लगा हुआ होगा तो वो क्या करेगा नीचे से चीजों को गर्म करने लगेगा और उन चीजों को हल्का बनाने लगेगा और जैसे ही वो ऊपर आते जाएगा वो ऊपर चीजें आती रहेंगी तो पूरी की पूरी गर्म हो जाता है पूरा कमरा गर्म हो जाएगा याद के आप को है उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा की अगर मैं बात करता हूं अब हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग देखने की कोशिश करते हैं रेडिएशन को रेडिएशन को मतलब क्या हो सबसे बड़ी एग्जाम्पल जब हम लोग बॉर्न फायर की बात करते वहां पर हम लोग जब क्या करते सर हाथों को वो करते, ऐसे कवर करते तो करने, पर हमारे गर्म हो, जाते? हो जाता है, यानि कि ना तो मेरा मूव कर रहे हैं है, जो कुछ ना कुछ एक काम कर रहा होगा मीडियम तो की अगर नहीं है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो यहाँ पे क्या कर रही है वर्क कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बेटा वो हमारी क्या कर रही है यहाँ पे वर्क कर रही है इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडियस की मैं बात करता हूं तो वो हमारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे वर्क कर रहा है और वो जब रेडियश वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर उसके लिए किसी भी रिक्वायरमेंट नहीं हुई किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हुई वो तो क्या है वैक्यूम और फ्री स्पेस के अंदर भी क्या करेंगे मूव करेगा रेडिएशन की मैं बात करूंगा तो तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या वर्ड हुआ सबसे पहले जो आया है वो है कंडक्शन एंड द कन्वेक्शन रिक्वायर सम मटेरियल एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी क्या होगी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी दीज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कैन नॉट ऑपरेट बिटवीन टू बॉडीज सेपरेटली बाय अ डिस्टेंस इन वैक्यूम भाई ये प्रोसेस जो होंगी ना ये दोनों की दोनों फेल हो जाएंगे जब कोई चीज़ है वो डिस्टेंस पर रखी होंगी तो उससे कोई चीज़ में दिक्कत हम लोग बोले तो सर वहां पर बहुत दिक्कतें आ जाएंगी हम लोग जो चीज़ करना चाहते हैं वो हम लोग नहीं कर पाएंगे जब क्या है किसी भी चीज़ को मैं सेपरेटली रख देता हूँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रख देता हूँ तो वहां ये इफेक्टिव नहीं करेगा इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट इन विच हीट ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द एजेंसी ऑफ एनी इंटरविंग मीडियम इसके अंदर क्या है कोई भी मीडियम के जो होगा उसके रिक्वायरमेंट इसके अंदर भी नहीं होगी द प्रोपेशन ऑफ द एनर्जी द कलर कि सर कलर जो होता है उस पर डिपेंड करती है यानी कि सर सीधा सीधा हमारा जो कलर होगा अब कलर की बात है तो हम लोग जब बात करते हैं देखिए हमारे पास देखिए और कौन रेडियंस का एग्जाम्पल देख सकते हो सन की मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है हमारी लाइफ में अगर मैं बात करता हूँ तो सन से जो हमारे पास एनर्जी आती है सन से हमारे पास एनर्जी आ रही है अगर सन से हमारे पास एनर्जी आ रही है बेटा तो एक लॉजिक लगाइएगा सन से अगर मेरे पास एनर्जी आ रही है तो किस फॉर्म में आ रही है सर रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है क्यों क्योंकि सर उसके लिए किसी भी मॉडी मीडियम की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि सर हमारे किसी भी बॉडी की कॉन्टेक्ट वहां पर हो ही नहीं रहा है और कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है तो इट मीस क्या हुआ सर वो ट्रेवल करके मुझ तक पहुंच रहा है यानी कि सर सेपरेट डिस्टेंस पे भी हो तो भी रेडिएशन हमारे क्या होते हैं बिल्कुल यूजफुल होते हैं क्लियर बात हुई ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कट रख लीजिए ठीक है भाई दिमाग में रख लीजिए तो ये हमारे क्या होते हैं रेडिएशन होते हैं अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा आता है रेडिएशन और हो सकते हैं इसके अंदर देखिए एवरी बॉडी रेडिएट एनर्जी एज वेल एज ऑब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स अब देखिए कोई भी बॉडी है ये हमारे कहा कुछ रूल्स है रूल्स है के, उसके क्या होता है देखिए कि हमारे पास कोई भी बॉडी है वो क्या है कि अगर मैं किसी भी बॉडी की बात करता हूं वो तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशन को क्या है रिलीज करती है यानी कि सर वो क्या करेगी रेडिएशन को क्या करेगी रेडिएट करेगी उसके अलावा क्या करेगी वो ऑब्जॉर्व भी करेगी चीजों को यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कोई भी हमारे पास बॉडी है वो क्या करेगी रेडिएट्स एनर्जी एनर्जी एज वेल एज ऑब्जॉर्व एनर्जी ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स यानी कि अपने पास आसपास का जो भी हमारे पास सराउंडिंग्स है उससे क्या करेगी एनर्जी को ले भी लेगी और एनर्जी क्या करेगी बेटा रेडिएट भी कर देगी ठीक है उसके अलावा क्या हो गया उसके अलावा है दिस रेडिएशन ऑफ द हीट एनर्जी अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने क्लियर कट सबसे पहले यही बताया कि इसके अंदर जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी वजह से है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से ये चीजें हो रही हैं आगे बोला है दीज रेडिएटर्स आर इमिटेड बाय द वर्चू ऑफ इट्स लाइक द रेडिएशन बाई अट आयर और द लाइट फ्रॉम्प रेडिएशन सबसे पहले सन के थ्रू आ सकते हैं उसके अलावा आप लोगों ने बल्ब को देखा होगा सर उसके अंदर एक फिलामेंट होता है वो जब गर्म होता है हॉट होता है तो उसकी वजह से भी आ सकता है उसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो सर आयरन हमारी जो होती है गर्म आयरन होती है उसकी वजह से भी आ सकता है यानी कि सर इसके अंदर ये चीजें हो सकती हैं चीजें क्या है हो सकती हैं क्लियर बात है अगर ये चीज़ें क्लियर है तो इसका मतलब क्या होगा सर रेडिएशन हम लोग को अब अच्छे से समझ में आ गया इसके लिए जो रेडिएशन के लिए हम लोगों की कुछ डेरीवेशंस हैं उनको हम लोग करते हैं सबसे पहले आती है कि सर ये इमिसिव पावर क्या होती है इमिसिव पावर की मैं बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ इमिसिव पावर की मैं बात कर रहा हूँ इमिसिव पावर होती है इसको ई e से डिनोट करते हैं अब एक चीज़ बताइए मेरे पास एक बॉडी है पूरी इससे इससे क्या हो रहा है रेडिएशंस निकल रहे हैं क्या हो रहे हैं बेटा रेडिएशंस निकल रहे हैं अब इससे रेडिएशंस निकल रहे हैं इसका मतलब क्या होगा सर ये जो इसके अंदर हीट होगी क्या होगी बेटा हीट होगी वो किस पर डिपेंड कर रही होगी इस पर इसके अंदर जो हीट होगी वो किस चीज पर डिपेंड करेगी क्यों का मतलब क्या है जो हीट इमिटेड है क्या है बेटा हीट हमारी जो इमिटेड है हीट हमारी क्या है बेटा इमिटेड है हीट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है इमिटेड हमारी हीट है क्या है इमिटेड है. है हीट हमारी क्या है बेटा इमिटेड है. है अगर हीट हमारी क्या है इमिटेड है अगर हीट मेरी क्या है बेटा इसके अंदर इमिटेड है तो एक चीज मुझे बताइए जो हीट होगी वो किस पे डिपेंड कर रही होगी सर ये डिपेंड कर रही होगी एरिया पे सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगी एरिया पे डिपेंड करेगी उसके अलावा कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये हमारी रेडिएशन्स को क्या कर रही है निकाल रही है तो उसके यानी कि मतलब क्या हुआ सर इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगी टी पे किस पे डिपेंड टी करेगी यानी कि सर ऑब्जो अगर कंबाइंडली मैं इसको बोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एट क्या हो जाएगा ए अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा एक कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी क्या

पावर ए हमारा क्या होता है एरिया टी हमारा क्या होता है टाइम बोलो भाई क्लियर है ये हमारी क्या होती है बेटा इसको बोलते हैं इमिशिव पावर क्या बोल देते हैं इमेसिव पावर बोल देते हैं यानी कि सर कितने एरिया के अंदर जो हमारी हीट है वो यहां से क्या हो रही है इमिटेड हो रही है उसके अलावा कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हो रही है वो हम लोग किससे निकालेंगे क्यू इज टू ई टी से अगर यहां पे आप लोग देखते हो अगर आप लोग इसको निकालना चाहो ईज इक्वल टू क्या हो जाता है क्योंकि यूनिट की तो ये जूल क्या हो जाती है बेटा जूल हमारी हो जाती है क्या हो जाती है इसकी मैं बात करूंगा तो ये हमारी क्या हो जाती है जूल हमारी हो जाती है क्या हो जाती है जूल हमारी हो जाती है ही मैं बात करूंगा तो मीटर स्क्वायर और फिर उसके बाद में टी है यानी कि सर टेम्परेचर है क्या बेटा टेम्परेचर हमारा है टेम्परेचर यानी कि टाइम है सॉरी टाइम है टाइम टाइम टेम्परेचर नहीं है टाइम है तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन ए टी है तो इसका मतलब क्या हो गया सर क्यू का मतलब हो गया जूल इसका मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ का मतलब क्या हो गया मीटर स्क्वायर टी का मतलब क्या हो गया सेकंड क्या हो गया बेटा ये सेकंड हो गया क्या है एक सेकेंड इसको सेकेंड बना लीजिए एस क्या होती है बेटा ये हो जाता है सेकेंड सेकेंड है और ये हमारा हो जाएगा इसको मैं बोल देता हूं वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर यह आप लोग बोल सकते हो यह आप लोग क्या कह सकते हो बोल सकते हो सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर स्क्वायर क्या है अपॉन मीटर उसके बाद में, है सर स्क्वा हमारी है पावर हमारी क्या होती है ऑब्जॉर्बेटिव पावर क्या होती है तो इसका मतलब क्या हो गया इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से तो यह हमारी आती है कि हीट ऑब्जॉर्ब बाई बॉडी या फिर बाई बॉडी हीट ऑब्जॉर्ब बाई द बॉडी तो यहां पे क्या लिखेंगे हीट absorbed by the body divided by heat incident on the body बस ये हम लोगों का क्या होता है ये हमारा होता है ऑब्जॉर्बिव पावर ये हमारी क्या होती है ऑब्जॉर्बिवि पावर है यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी वो जो इसकी वैल्यू होती है ना बेटा वो होती है वन के इक्वल क्या होती है वन के इक्वल इसके अलावा ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा यह डिपेंड जो हमारा करता है ये हमारा करता है मटेरियल पर कि किस टाइप का मटेरियल है उसके अलावा हमारी जो लेमडा है वो क्या है ये हमारी जो लेमडा है वो क्या है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है क्या करता है बेटा दो चीजों पे डिपेंड करता है कि सर हमारा मटेरियल कैसा है और तो चीक <workiteners> उसके अलावा लेमडा हमारा क्या है मटेरियल कैसा है और उसके अलावा लेमडा हमारा क्या है उस चीज पर यह डिपेंड करती है तो यह हमारा क्या हो जाता है ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है हीट अब्जोर्व बाय द बॉडी हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी क्लियर बात है अगर ये क्लियर बात है तो अब यहां से देखिए आगे अब हम लोग देखते हैं ब्लैक बॉडी डेग्रम

ब्जॉर्वर होते हैं क्या होते हैं का मतलब क्या होता है मुझे एक चीज कोई बताएगा कि सर ये यह का मतलब क्या होता है अगर कोई मुझे बता दे कि सर ये ऑब्जॉर्वर होता है ये हमारा क्या होता है अगर की मैं ये ई है बेटा याद रखिएगा का मतलब क्या होता है अगर की आप लोग बात करते हो तो इसका मतलब होता है कि सर हीट को क्या करे बिल्कुल अपने अंदर संभाले क्लियर बात अपने अंदर क्या करे संभाले चीजों को ठीक है ये चीज आप लोग याद रखिएगा इसके लिए एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखना है जिससे आप लोग सारे काम आसान हो जाते हैं वो है हमारा ए आर टी इक्वल टू होता है वन यानी कि अब्जॉर्व कितना करता है रिफ्लेक्ट कितना करता है और ट्रांसमिट कितना करता है ये आप लोगों को याद रखना है अगर ये ब्लैक बॉडी है तो इसका मतलब क्या होगा ये बहुत ज्यादा क्या करेगा अब्जॉर्व इसका बहुत ज्यादा होगा और अगर अब्जोशन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा ये बहुत कम होता है यानी कि सर ये नेग्लेट मैं एक तरीके से बोल सकता हूं क्या कह देता हूं नेगलेट मैं इसको कर सकता हूं या मैं बोल सकता हूं कि वन परसेंट के अप्रोक्स क्या कर सकता है ये रिफ्लेक्ट कर सकता है बस इतना सा याद रखिए यानी कि ब्लैक बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बॉडी कौन सी होगी सर वह बॉडी या हम लोग बोल सकते हैं सर वो चीज जो क्या करे पूरे के पूरे जो रेडिएशन

आप लोगों को याद रखना है ये चीज़ अगर मैं इसके फॉर्म में और एक चीज़ बोलूँ तो और क्या हो सकती है देखिए इसका एग्जाम्पल एक और ले सकते हो जब आप लोग बात करते हो इसके अंदर एक चीज़ और लेके सर रेडिएशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं रेडिएशंस के हम लोग किसके थ्रू मेजर करते हैं तो वो हमारा होता है बेटा पायरोमीटर क्या होता है पायरोमीटर हमारा होता है जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है पायरोमीटर पायरोमीटर होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं रेडिएशंस को मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ टेंपरेचर वो क्या करेगा बेटा रेडिएशन का क्या करेगा एनालिसिस करेगा यानी कि सर उसको एनालाइज करेगा रेडिएशन को और उसके बाद में क्या करेगा हमें बताएगा कि इसका टेम्परेचर कितना है वो क्या बताएगा कि इनका टेम्परेचर कितना है वो क्या करता है बेटा सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन को जो भी बॉडी से रेडिएशन आएंगे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा क्या है एक पायरोमीटर है ये हमारा क्या है बेटा पायरोमीटर है कोई भी बॉडी है ये क्या करेगी रेडिएशन निकालती है अगर ये रेडिएशन निकाल रही है तो ये रेडिएशन को क्या करेगा बेटा कलेक्ट करेगा और इसके थ्रू क्या करेगा टेम्परेचर की क्या करेगा हमें रीडिंग देगा क्या देगा टेम्परेचर की क्या करेगा बेटा रीडिंग

टी टू डी पावर फोर माइनस टी नॉट टू पावर फोर यह आपको याद रखना है और इसके अंदर जो जो सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा होंगे होगी वो किस केस में होगी इसके अंदर हमारी होती है यानी कि इसके अंदर क्या होगा हाई टेम्परेचर होता है क्या होता है हाई टेम्परेचर इस केस में हमारा होगा और इसके अंदर क्या होता है हमारा लोअर हमारा होता है क्या होता है लोअर होता है एज कंपेयर टू दिस इसके अंदर क्या होगा लोअर हमारा होगा किसके कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ इसके कंपैरिजन और हायर टेम्परेचर का मतलब क्या है सर रेडिएशन ज्यादा होंगे क्या होंगे बेटा रेडियेशन हमारे ज्यादा होंगे तो ई आर इज इक्वल टू ई डिस्क क्या हो जाएगा ई सिग्मा टी टू डी पावर फोर माइनस टी नोट डी पावर फोर सिग्मा टी टू डी पावर फोर और हमारा जो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इस केस में हमारा ई आर जो होगा उसकी वैल्यू क्या होती है ज्यादा होती है ई आर की वैल्यू क्या होती है ज्यादा होती है यानी कि सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ई आर डैश है वो लेस देन हमारा होता है ई आर से बोला ठीक है ये आप लोगों को याद रखना ये रिलेशन कुछ है मैंने आप लोगों को बता दिया यही ही हमारी होती होती क्या होती है ब्लैक बॉडी होती होती है है क्या बेटा इसी को हम लोग बोल देते हैं है, है तो आप सभी का बहुत बहुत स्कूल से जुड़ने के लिए अगर आपको किसी भी सेक्शन के अंदर डाउट है कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप लोगों को क्या करना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है जिससे क्या है मैं और मेरी टीम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाए और अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी को कर पाए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद